मेरी आवाज न्यूज 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। हमले के पीछे एक साजिश है, यह बात सच है कि एक साजिश है। साजिश है इस देश के लोगों को आपस में बांट देने की, एक साजिश है इस देश के नौजवानों को नफरत और उन्माद की आग में जला देने की, एक साजिश है इस देश के आम लोगों को डराने की, एक साजिश है अपनी नाकामी छुपाने की और सेना की कामयाबी को अपनी कामयाबी बताने की। एक साजिश है कि इस देश के 130 करोड़ लोगों के सवालों को कैसे गुमराह कर दिया जाए। एक साजिश है कि जो बात आज से 5 साल पहले कही गई थी उन बातों को कैसे भुला दिया जाए। एक साजिश है कि लोग ये भूल जाएं जिस पत्रकार ने 2000 के नोट में चीप निकाला था, वही पत्रकार बड़ी बेशर्मी से आकर के कह रहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई। तो जब नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई तो ये आतंकवादी कौन हैं, किसके द्वारा भेजे गए हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि कैसे पूरी की पूरी बहस को शुरू कहीं और से किया जाता है और आखिर में लाया जाता है चुनावी राजनीति पर। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते कहते मुसलमान मुर्दाबाद बोलना शुरू कर देते हैं। इस साजिश को समझिएगा कि राम और रहीम की दोस्ती की बात करने वाले लोगों को कैसे सेना विरोधी और देश विरोधी साबित किया जाता है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं और आप तय करके हमको बताइए कि इसमें गलती किसकी है। दो लड़का एक फील्ड में लड़ रहा था, एक का नाम राम और दूसरे का रहीम था। राम के घर वाले आए और कहे कि झगड़ा क्यों करते हो, तो राम ने कहा कि आप रहीम का पक्ष लेते हो। रहीम के घर वाले आए और कहा कि आपस में क्यों लड़ते हो, तो रहीम ने कहा कि आप राम का पक्ष लेते हो। इस देश में यदि कोई शांति की बात कर रहा है तो वो पाकिस्तान परस्त कैसे हो गया। इस देश में यदि कोई कह रहा है कि सेना के नाम पर राजनीति मत कीजिए तो वो सेना विरोधी कैसे हो गया। इस देश में यदि कोई कह रहा है कि नफरत की उन्माद से मानव सभ्यता जल जाएगी, मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो वो मुसलमान परस्त कैसे हो गया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये साजिश रची कैसे गई है। और ये साजिश ऐसे रची गई है कि प्रधानमंत्री कहते हैं जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वो देश विरोधी हैं, और उस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का एक मंत्री कहता है कि जो भाजपा की रैली में नहीं जाएगा वो देश विरोधी है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इनका एजेंडा ये है कि यदि आप अपने घर के ऊपर कल को भाजपा का झंडा नहीं लगाएंगे तो ये आपको देश विरोधी कह देंगे। तो इनको मैं किशनगंज की धरती से, बिहार की भूमि से ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये धरती गंगा जमुनी तहजीब की धरती है, तुम्हारी हर साजिश को नाकाम करेंगे और तुमको बताएंगे कि ये फेकू प्रधानमंत्री, तुम्हारा फेंकने का वक्त खत्म होने वाला है। 1 महीना बचा है, जितना चभर चभर करना है कर लो, तुम्हारा वक्त जाने वाला है
तब इस देश का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। बुरे दिन जाने वाले हैं। 5 साल का टॉक टाइम था। देश छोड़ करके विदेश में भी घूम घूम के बकर बकर कर लिए। अब आपकी बकैती आपको मुबारक। ऐसा बकैत प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। और बकैती की भी अपनी सीमा होती है। जी भैया, कल मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था तो जिग्नेश हमको बोला कि इतना सब्र कहां से लाते हो। हम बोले कि ये सब्र तो देश की जनता का वरदान है ना। वोट दे करके 5 साल के लिए ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिए हैं तो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा प्रधानमंत्री है तो सुनना तो पड़ेगा कि आखिर फेंका क्या, लपेटा क्या, ये जानना तो पड़ेगा। तो कल उनका भाषण हम सुन रहे थे तो पहली बार जो उनका वीडियो लेने वाला था थोड़ा अनमना ढंग से वीडियो ले रहा था। क्या पता चाचा की तरह उनके खाते में भी 15 लाख रुपया नहीं पहुंचा हो। तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री ऐसे बोलते हैं कि आपको लगेगा कि वो अपने मन से बोल रहे हैं। वो मंच से बोलते हैं, मन से नहीं बोलते हैं, देख करके बोलते हैं। और कैसे देख करके बोलते हैं तो उनके आगे में एक स्क्रीन लगा होता है दोनों तरफ। अब बगुला की तरह जो गर्दन हिलाते हैं वो उनका स्टाइल नहीं है। वो इस स्क्रीन से उस स्क्रीन में देख देख के पढ़ करके बोलते हैं। तो वीडियो में दिख रहा था तो पढ़ते पढ़ते जो है तुतला रहे थे। और कुछ दिन पहले तुतलाने वालों पे ये मजाक उड़ा रहे थे। कितना बेहतरीन चीज है इसको समझिए। कहते हैं ना, मत बिगाड़ो बिगड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, बबूल के पेड़ में आम नहीं निकल सकता है। तो जो दूसरों का मजाक बनाता है वो एक दिन खुद ही मजाक बन जाता है। और मजाक का आलम यह है कि इनकी चाटुकारिता करने वाले जो लोग हैं वो इनको और ज्यादा मजाक का पात्र बना दिए हैं। मैं पात्रा की बात नहीं कर रहा, मैं पात्र तो मैंने उनको एक दिन कह दिया कि देखो भाई, मोदी जी रिश्ते में जिनके बाप लगते हैं मैं उनके मुंह नहीं लगता है। मैं इसलिए मुंह नहीं लगता, वैसे ही इस आदमी का क्या है। आज जो प्रधानमंत्री है उसका माला जप रहा है, कल को कोई और प्रधानमंत्री हो जाएगा तो उसका माला जपना शुरू कर देगा। जिसके पीछे रीढ़ नहीं हो उसको इतना सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है। और अगर आपके पीठ के पीछे रीढ़ है, आप में ये हिम्मत है, यदि आपको सचमुच भारतीय होने पर गर्व है, यदि सचमुच आप इस धरती से प्रेम करते हैं, तब आपको सवाल पूछना पड़ेगा। और सवाल पूछना, विपक्ष से सवाल पूछना कोई सवाल नहीं होता है। ताकतवर और शक्तिशाली लोगों के सामने सवाल खड़ा करना ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी होती है। और ये सवाल जब आप उठाएंगे तो पूरी ताकत से वो आपको डराने की कोशिश करेंगे, तरह तरह का आरोप वो आपके ऊपर लगाएंगे। और कुछ मजेदार आरोप मैं आपको बताता हूं। हमको कहते हैं कि ये देश विरोधी है। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी देश नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी देश है तो मुझे देश विरोधी होने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि देश मतलब प्रधानमंत्री नहीं होता है, देश मतलब देश की आम जनता होती है। और आम जनता के पक्ष में सरकार की विपक्ष में खड़ा होना यह लोकतंत्र की जिम्मेवारी होती है। और यह जिम्मेवारी हमने उठाई है। और यह जिम्मेवारी जब हम उठाए हैं तो हम किशनगंज आए हैं।
और यहाँ एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किशनगंज चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं।